लास्ट टाइम, इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन कि तुम्हारा वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। समझे, एक यूनिट वेक्टर है जिसका सिंबल एक कैप होता है, वो मैंने तुमको मैंने बताया था। तो इसका जो डायमेंशन होता है बच्चों, तो ये तुम्हारा वेक्टर है, राइट? अगर ये वेक्टर है तुम्हारा फॉर एग्जांपल, तो तुम्हारा डायमेंशन यूनिट वेक्टर का हमेशा 1 होगा, ठीक है? सो डायमेंशन ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, एंड द फॉर्मूला इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, है ना? तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन। बच्चों तुम्हारा ये मैग्नीट्यूड है, ये तुम्हारा डायरेक्शन है, तो ये सब चीजें तुम लोग को पता है, राइट? अब कुछ कुछ बातें तुमको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से, और भी जो तुमको कंसेप्चुअली हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। अब कौन सी बातें हैं वो? बच्चों तुमको ने लास्ट टाइम बताया था कि तुम्हारे जो भी वेक्टर्स है, लेट्स से ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस वी हैव अ यूनिट वेक्टर, हम बोलते हैं आई कैप। Along y-axis we have a unit vector, let's say j cap, and along z-axis we have unit vector, let's say k cap. तो ये जो vectors है बच्चों, ये unit vectors है। तो i cap तुम्हारा unit vector है in x direction, j cap तुम्हारा unit vector है in y direction, and k cap तुम्हारा unit vector है in z direction, ठीक है? तुमको लगा question पूछ दे कोई, एक वेक्टर है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स है, एंड वो वेक्टर तुम्हारे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो वेक्टर का डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड इतना है और वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, तो एक वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो वेक्टर को कैसे लिख सकते अपन, कैसे लिख सकते डायरेक्ट? तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना बच्चों? ए टू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है? ट्वेंटी है। एंड ए कैप मतलब तुम्हारा यूनिट डायरेक्शन किधर? तुम्हारा तो वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर, तो ये हो जाएगा जे कैप, है ना? क्योंकि वाई एक्सिस के अराउंड है जे कैप, ठीक है भैया? ये समझ में आ गया। अगर जेड एक्सिस के अराउंड होता तो ये हो जाता के कैप, है ना? तो ये सब चीजें तुम लिख सकते हो अभी अच्छी तरह से, तुमको ये सब चीजें पता चल गई है। अगर बोला होता नेगेटिव वाई एक्सिस के अराउंड तो क्या करते? तो ये हो जाता माइनस 20 के कैप। या पर माइनस मतलब ये मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन माइनस का मतलब क्या है? ये नेगेटिव जेड एक्सिस में है। क्लियर है बेटा? तो ये सब बातें तुमको लिखनी आनी चाहिए, आई होप तुम लोगों को ये सब चीजें क्लियर है। तो वेक्टर को लिखते कैसे है, वेक्टर को रिविजन कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर का रिविजन भी अपने आज कर लिया, अपने पहले भी देखा हुआ यूनिट वेक्टर, थोड़ा अपन एक दो क्वेश्चन और देखेंगे आज जो एक्चुअली बोर्ड्स में भी आ सकता है और तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है। डायग्राम है एक, थीटा है, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर तुम्हारा ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, है ना? ऐसे कंपोनेंट होगा, इधर कौन सा कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस में? ठीक है, क्योंकि थीटा ही है तो इसका बाजू वाला कॉस वाला होगा, और इसके परपेंडिकुलर एक और कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा।
ए साइन थीटा, तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है। बच्चों तुम्हारा ए है ये, अब तुम्हारा जो ए है, ये जो तुम्हारा एक वेक्टर है, इसको मैंने दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में रिजॉल्व किया है, बराबर। तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड ए है, तो एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा। तो बस ये सब लिखने का तरीका होता है। अब पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ए एक्स क्या होगा, व्हाट इज ए एक्स, तुम्हारा ए एक्स क्या है, ये वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए, इट विल बी नथिंग बट ए कॉस थीटा, बराबर। तुम्हारा ए वाई क्या होगा, व्हाट विल बी ए वाई, ए साइन थीटा। अब तो तुम्हारे मैग्नीट्यूड की बात हो गई, अब तुम्हारी हम बात करते हैं वेक्टर ए एक्स की, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, ए एक्स कैप, तो ए एक्स क्या है तुम्हारा, व्हाट इज ए एक्स का मैग्नीट्यूड, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा, और ए एक्स कैप क्या है, क्या है तुम्हारा, ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, एक्स एक्सिस में, ए एक्स एक्स एक्सिस का राउंड है, तो आई क्या, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप। बच्चों ए वाई वेक्टर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा जे कैप। तो वेक्टर किससे बना होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड क्या होएगा तुम्हारा, ए साइन थीटा ए वाई साइन इंटू ए वाई कैप, तो ए साइन थीटा ए वाई कैप, वाई कैप के डायरेक्शन में है ना, तो इसको जे कैप लिख सकते हैं, समझ गया बेटा। अब बच्चों तुमको पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ए था, ये बी था, सी, ये डी था, ई तुमको पूछ रहा है ए वेक्टर क्या होगा, तो तुम्हारा ए वेक्टर किससे बना हुआ है, दो वेक्टर से बना हुआ है, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, तो ए एक्स वेक्टर क्या है तुम्हारा, ए कॉस थीटा एक आई कैप, कैप और ए वाई वेक्टर क्या है, ए साइन ए थीटा साइन थीटा जे कैप। जे कैप, बराबर है ना, तो ये ए एक्स से बना हुआ है बेसिकली, और ये ए वाई से बना हुआ है ना, तुम्हारा ए वेक्टर। अब तुम्हारा मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, समझो तुमको निकालना है, तो ये सब तो तुमको समझ में आ गया, अब समझो तुमको ऐसा निकालना है कुछ, तुमको निकालना है रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड क्या था, ए कॉस थीटा, ए वाई का क्या था, ए साइन थीटा, बट दे वाज स्क्वायर ऑल्सो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू कैन टेक ए स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, मतलब ये हो गया, देयरफॉर रूट ऑफ ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, वन, देयरफॉर स्क्वायर और रूट कैंसिल, देयरफॉर ए, देयरफॉर ए मैग्नीट्यूड क्या हो गया तुम्हारा, ए रिजल्टेंट, या ए मैग्नीट्यूड क्या आ गया, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये डेरिवेशन हो गया तुम्हारा, यही तो निकालते हैं अपन, कोई भी वेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका रूट लेते हैं और स्क्वायर लेते हैं,
तो ये ऐसे ही आता है। क्लियर है? तुम्हारा ये वाला पार्ट ए एक्स है, तुम्हारा ये वाला पार्ट ए वाई है। अब डायरेक्शन निकालते हैं अपन, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? अपोजिट अपन एडजेसेंट, तो ये तुम्हारा हो गया डायरेक्शन एक और। तो इस तरह से हम निकालते हैं चीज़ों को, है ना? इसको भी थोड़ा समझना होगा अपने को। तो कैसे समझेंगे इसको, किस तरह से समझा जाए इसको? इसको एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। अगर ये सब कचरा कुछ समझ में नहीं आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये सब कचरा भी नहीं समझेगा तो चलेगा, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट भी नहीं था, ये डेरिवेशन इसके लिए बताया तुमको फील आए कि भाई कैसे आता है ये सब चीज़ें, है ना? कोई एग्जाम में तुमको ऐसा पूछने वाला नहीं है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देते हैं, तुम ट्राई करना खुद से करने के लिए इसको। समझो ए वेक्टर है तुम्हारा, ए एक्स आई कैप है प्लस ए वाई जे कैप है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे इसका मैग्नीट्यूड? कैसे निकाला जाए इसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी नथिंग बट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जो भी कोएफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर। लाइक फॉर एग्जांपल, ए वेक्टर है तुम्हारा 3i कैप प्लस 4j कैप, तो तुम्हारा ए मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 √25 विच इज़, तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आई होप समझ गया होगा आप लोग। बी वेक्टर है 12i कैप माइनस 3j कैप, तो बी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलेंगे? ट्वेल्व स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। एक्चुअली माइनस को तुम इग्नोर भी कर दो चलेगा, क्योंकि माइनस तो प्लस ही हो जाता है बाद में, वो है ना, कुछ बचता नहीं है वो। सो बी मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 144 प्लस 9, बी मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 144 प्लस 9 कितना होता है? 150। आई होप बेटा समझ गया होगा आप लोगों को। समझो तीन वेक्टर है, यहाँ पर हो जाता आई जे के 2k कैप फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ होता तो क्या करते हैं? कुछ नहीं भैया, एक और ऐड करते हैं, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाता 157, है ना? तो मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल तरीका बच्चों यही है कि रूट में डाल दो और स्क्वायर कर दो, बस कुछ लोचा, इतना कुछ मगजमारी याद करने की जरूरत नहीं है, है ना? चीज़ों को याद करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो, दैट्स इट। तुम अपनी तरह से सेटिस्फाइड रहो और कुछ नहीं, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है सर, है ना? तो ये सब चीज़ें समझ में आती है भैया, थोड़ा सा और फील लेते हैं इसका। ठीक है, ये सब तो सिंपल है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते वो भी अपने समझ लिया अभी तक तो, है ना? तरीका क्या है यूनिट वेक्टर निकालने का, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, बराबर के नहीं? तो ये सब चीज़ें तो अपन समझ चुके हैं अब तक कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे। अपने लास्ट लेक्चर में देखा था वो कि यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, है ना? तो अगर तुमको कोई क्वेश्चन देता है, समझो कोई वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, तुमको बोलते हैं कि भाई इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मैग्नीट्यूड और एंगल निकालो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल और वो निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, कैसे निकाला जाए?
निकालोगे, कैसे निकाला जाए? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे निकाला जाए? 3i cap + 4j cap, यूनिट वेक्टर मतलब क्या? उसका मैग्नीट्यूड 1। तो ये आई कैप, एक और आई कैप, एक और आई कैप हो जाएगा 3i cap, सो मैग्नीट्यूड 3। फिर 4j cap 4। फिर तुम क्या कर सकते हो, ये बना सकते हो कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि दो वेक्टर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अगर ये यूनिट इधर, तुम इधर भी लेते हैं ये वाला, तो इधर शिफ्ट हो जाता पैरेलल, तो ये 90 डिग्री होता। समझो इसको अपन थीटा ले लेते हैं, तो आर क्या हो जाएगा? पहली बात तो रिजल्टेंट 3² + 4² 9 + 16 √25 विच इज 5। तो रिजल्टेंट तुमको मिल गया 5। तुमको टैन थीटा क्या मिल जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 4/3। टैन का कौन सा एंगल 4/3 होता है? 4 के सामने हमेशा क्या होता है? 53 डिग्री। 3 के सामने क्या होता है हमेशा? 37 डिग्री। तो टैन थीटा विल बी इक्वल टू, देखो थीटा विल बी इक्वल टू 53 डिग्री, है ना? तो ये तरीके से तुम यूज कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो आसानी से। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो अब केस, -2i cap - 2j cap, अब बताओ -2i cap - 2j cap, अब तुम्हारा वेक्टर ऐसे हो जाएगा -2 - 2, है ना? तो ऐसे ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे, ये थीटा होगा तुम्हारा, तब ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 4 विच विल बी इक्वल टू √8, है ना? तो ये रूटेड हो जाएगा, समझ गए? हाँ। और टेन थीटा क्या होता है? ay/ax मैग्नीट्यूड होता है ना बेसिकली। तो ये -2 को 2 लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस भी को कट हो जाएगा 2, तो 1 हो जाएगा। तो कौन सा एंगल 1 होता है टेन का? 45 डिग्री, समझ गए बेटा? हाँ। तो एंगल 45 डिग्री आएगा, एंगल 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 45 आएगा। देखो फिगर देखो, समझो, एक काम करता हूँ मैं, रुको एक सेकंड, वापस बनाता हूँ मैं अच्छी तरह से, देखो ध्यान से एकदम, और क्वेश्चन रीड करना फिर ढंग से एकदम। -2i cap तो इधर था, है ना? -2j cap ऐसा कुछ था, तो 90 डिग्री होगा, ये थीटा होगा, तो -2 - 2, थीटा क्या आ गया तुम्हारा? 45 डिग्री आ गया। हाँ। अब पूछा क्या, देखो फाइंड मैग्नीट्यूड, तो वो तो निकाल दिया हमने, डायरेक्शन भी निकाल दिया, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बच्चों ये तुम्हारा वाई एक्सिस के साथ हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, इसके साथ एंगल निकालना है। बताओ तुम इधर तक पहुंच चुके हो, तुमको इधर से एंगल निकालना है, ये तुम्हारा एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इधर तक, समझ रहे हो बेटा? विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पूरा क्या है? 180 डिग्री है। फिर इधर से लेकर इधर तक क्या है? 45 डिग्री है। तो तुम्हारा जो एंगल होगा ना बच्चों, वो 180 प्लस हो जाएगा, और क्योंकि तुमको विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस निकालनी है। अगर बोला होता विथ वाई एक्सिस निकालो तो कोई टेंशन ही नहीं होती ना, ये वाली पार्ट हो जाती, ये वाला पार्ट। तुमको क्या बोला है? विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ लो बेटा?
नेगेटिव एक्स एक्सिस हाँ बोला तो अलग बात होती, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बोला है तो ये पूरा इधर तक पूरा जुड़ेगा पहले, प्लस ये वाला जुड़ेगा, तो 180 प्लस 45, समझ गए? नेगेटिव वाई एक्सिस होता तो हाँ देखो फिर ध्यान दो, अगर नेगेटिव वाई एक्सिस होता तो क्या होता? देखो नेगेटिव कौन सा एक्सिस बोला तूने? वाई देखो बेटा ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्सिस एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कभी भी नोटेशन लिख देगा फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो तुम्हारा एंगल तुमको किधर मिला? ऐसा मिला, पॉजिटिव एक्सिस तुम्हारी इधर है, तो ये क्या हो जाता? 90 प्लस 45 हो जाता इसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाता था? देखो ध्यान से देखना बेटा, तुमको इधर आया एंगल, ये 90 है, ये 45 है, तो अपने को ये वाला एंगल चाहिए ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये हो जाता था 135, समझ गए बच्चों? इस तरह से करते चीजें, आई होप आपको क्लियर है। पॉजिटिव वाई एक्सिस इधर से इधर तक, समझ गए बच्चों? क्वेश्चन का पार्ट नहीं था ये, लेकिन क्योंकि प्रद्युमन ने पूछ लिया तो मैंने ये भी डिस्कस कर दिया। क्लियर है बेटा? समझ गए? ऐसे तुम किसका भी निकाल सकते हो, है ना, किसी का भी सोच सकते हो। तुमको इधर एंगल मिला है ना, ये वाला तुम्हारा ट्राइंगल है, अब किधर भी सोच सकते हो, तुमको कोई टेंशन नहीं। अगर कुछ ऐसा होता तो एंगल, है ना, फील लो बातों का। और ये तुमको मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे लेक्चर, ठीक है, यूट्यूब पे नहीं डालना वाला लेक्चर, में तुमको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, मांग लेना मुझसे। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकालो क्या होगा, बताओ क्या हो जाएगा? 2 आएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, √3² प्लस -1² √3 नहीं माइनस भी है ना, तो ये √3 माइनस √3 और ये पूरा कट हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो 4, ये 2, समझ गए? क्या बनाएगा ये माइनस √3, √3 की वैल्यू होती है 1.73 समथिंग, तो 0 है इधर समझो, फॉर एग्जाम्पल 1 इधर है तो कुछ इधर आ जाएगा ये, और ये -1 है तो कुछ इधर आ जाएगा ये, कुछ ऐसा हो जाएगा ये, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा ये, तो ये थीटा हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल समझो। समझा क्या? -1 0, ये 1, ये 1.73 होता है ना √3, तो आई कैप माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही है, समझ रहे हो बेटा? हाँ सर। इंटरेस्टिंग बात है, देखो बेटा बहुत, -√3 है, +√3 होता तो इधर होता, -√3 है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, और -j कैप है मतलब -1j कैप है मतलब ये नीचे होगा, तो ये कुछ इधर कोऑर्डिनेट तुम्हारा मिलेगा, तो ये थीटा है समझो, ये वाला तुम्हारा आई कैप है, तुम्हारा जे कैप है, तो थीटा ले रहे हो, है ना, तो तुमने क्या लिया, ये वाई एक्सिस पे तुमने क्या लिया, ये तुम्हारा इतना पार्ट -1 है, फिर इधर तुमने क्या लिया -√3 है, तो क्या मिल जाएगा तुमको टेन थीटा 1/√3, 1/√3 कब होता है एंगल बच्चों? 30 डिग्री पे, 30, तो ये 30 आ जाएगा ये वाला एंगल, पर तुमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चाहिए, तो इसको भी तुम ऐड करोगे, है ना, तो पूरा इधर से लेके इधर तक, तो ये क्या हो जाएगा 180 प्लस 30, 210, समझ गए बच्चों? 30 नहीं ले सकते, 30 बच्चे लोग 30 बोलते बहुत सारे, 30 नहीं ले सकते, ये अलग पार्ट है, ये पहले का है, 30 नहीं ले सकते, तुमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस का इसके रिस्पेक्ट में लेना है, तो ये 180 प्लस 30, समझ गए बच्चों? आई होप सब लोगों को समझा बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था बहुत ज़्यादा, है ना, आई होप तुम लोगों को समझा बेटा अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, क्योंकि इससे तुमको डायरेक्शन का फील आता है कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है। ओके
आई होप क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है सब लोगों को? हाँ सर। अब यूनिट वेक्टर के सम्स तो तुम लोग को आते ही है, एक बार रिवाइज कर लेते बच्चों, क्योंकि अभी कर ही रहा है तो ये सब चीजें। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, लेट्स से क्वेश्चन है वेक्टर सी 3i कैप प्लस 8j कैप, इस डायरेक्शन में तुमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 9 प्लस 81, तो √90 है ना। √90 को कैसे लेते, 30 × 3 या कुछ मतलब ऐसे मतलब नहीं है, ठीक है √90 रहना, तो कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन में कुछ अगर कुछ और रहेगा तो तुम लोग यूज़ कर सकते हो। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 8j कैप, और मैग्नीट्यूड है √90। समझ गए बच्चों? हो जाएगा ये, सॉरी 64 प्लस 9 कितना होता है, कितना होगा बच्चों, 73। 73 गलती हो गई, सॉरी 73। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट भी रिवाइज कर लिया एक बार अपन ने, सो दैट तुमको आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बार 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 घूम फिर के आएंगे ये तुम्हारे पास। ठीक है, बोर्ड्स में भी आएंगे, एंट्रेंस में भी आएंगे, कभी कभी इजी क्वेश्चन पूछने का मन किया तो पूछ भी लेते हैं लोग ये सब क्वेश्चंस, पेपर इजी बनाना होगा तो कभी, है ना। इसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, गिनो उतने कम है क्वेश्चन इस सब में तो। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन और हो सकते हैं इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन। इनफ क्वेश्चन तो अपने वैसे भी कर लिया, बट देख लेते हैं। रिवॉल्विंग अराउंड अराउंड द अर्थ विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, तो अर्थ के अराउंड एक प्लेन रिवॉल्व कर रही है कितने स्पीड पे, 100 किलोमीटर पर, है ना, एक कांस्टेंट हाइट में रिवॉल्व कर रही है, समझो ऐसे प्लेन इस तरह से गई एट अ कांस्टेंट हाइट, कितना स्पीड कांस्टेंट है इसका बच्चा, स्पीड कांस्टेंट होता है तो अपन क्या बोलते हैं, स्पीड कांस्टेंट किस में होता है, 100 किलोमीटर पर आवर पर ही कर रही है वो, तो इन्हें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम होती है बच्चों, हमेशा याद रखना मेरी बात, है ना, और एक कांस्टेंट हाइट पे जा करके वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर हाइट पे रिवॉल्व कर रही है, और स्पीड कितना है उसका, 100 किलोमीटर पर आवर। बच्चों गेस करो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, चेंज इन वेलोसिटी एज इट कवर्स हाफ सर्कल, मतलब इधर तक इतना उसने कवर कर दिया अगर, ठीक है, इमेजिन करो ना प्लेन जा रही है, तो लास्ट टाइम मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, कुछ वेलोसिटी चेंज होगी तो इसको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था बच्चों डेल्टा वी के लिए, याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में कुछ डिराइव किया था अपन ने, याद आ रहा है कुछ, टू वी साइन थीटा बाई टू, याद है अपन एक प्रॉब्लम किया था उसमें अपने बताया था ये, तो टू इंटू वेलोसिटी कितना है 100 किलोमीटर पर आवर, और साइन थीटा बाई टू, बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, साइन थीटा, थीटा एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, गेस करो क्या हो जाएगा, जीरो। तुम्हारा हाफ सर्कल उसने कवर कर दिया है, मतलब 180/2 बराबर क्या, नहीं हाँ हाँ ऐसा क्यों हुआ कोई बताएगा,
ऐसा क्यों हुआ? व्हाई दिस हैपेंड? व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज इट इज गिवन दैट इट विल ट्रेवल हाफ सर्कल, सो दिस विल बी 90/2, 90/2 मतलब 90 आ गया। अब 2 × 100 इज 200, साइन 91 होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 200। क्लियर है बच्चों? हाँ। या तो लॉजिकली भी कर सकते हो एकदम। समझो पहली वाली इधर ऐसे गई, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक ऊपर एक नीचे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बताओ? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होता है। v2 क्या है? वेलोसिटी सेम है ना हर जगह पे, इधर भी v है, इधर भी v है, इधर भी v, इधर भी v। समझो ये वाला v2 का v ले रहे हैं अपन। अब v2 ये वाला जो है v2 जो v है अब इस केस में, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सॉरी वेलोसिटी सेम नहीं बच्चों, स्पीड सेम है, डायरेक्शन बदल रही है ना, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बदलता है। तो बताओ बच्चों v1 क्या होगा? v1 भी v होगा, लेकिन ये जो v2 और v1 का डायरेक्शन कैसे बचा, ऑपोजिट है, तो दिस विल बी माइनस ऑफ v। v1 क्या होगा? v होगा, बीच में माइनस है तो वो तो रहेगा ही, लेकिन ये वाला v2 और v1 का अपोजिट डायरेक्शन एक इधर है एक इधर है, बराबर कि नहीं? हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो v प्लस v विच विल बी इक्वल टू 2v, विच विल बी 2 × v, कितना है 100 है, तो 200 km/h। समझ गया बच्चों, दोनों मेथड से कर सकते हो, एक लॉजिकल भी बता दिया तुम लोगों मैंने।